एवरीवन, सो आज मैं आपको स्टम्प के लिए कुछ डिजाइंस बताऊंगी। देखिए, मैंने एक यहाँ पे फ्लावर बनाया है, इसको हम बारीकी से कट करेंगे। ये कट आप चाहो तो पेपर कटर से भी कर सकती हो, या फिर आप सीजर से, या फिर आप स्टेंसिल कटर से कट कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने इसको कट कर दिया है। अब हम इस फ्लावर को किसी हार्डबोर्ड पर डबल टेप के साथ पेस्ट कर देंगे इस तरह से। देखिए, मैंने फ्लावर लिया इस तरफ से, मैंने बहुत सारे कटिंग्स किए हैं। आप चाहो तो कोई भी डिजाइंस आप यूज कर सकते हो। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस में सबसे पहले पेपर पे यूज करेंगे, देन फैब्रिक पे यूज कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। ये देखिए, मैंने एक पेपर ले लिया है और मैंने एक प्लेट में कलर भी तैयार कर लिया है। अब हम स्टंप में कलर इस तरह से पूरा डिप करेंगे, ये देखिए, और फिर हम बारीकी से तरह से डिजाइन्स बनाएंगे। हम चाहे तो एक एक छोड़ के बनाते हैं, दूसरे वाले को हम थोड़ा दूसरे कलर से बनाएंगे। देखिए, मैं थोड़ा सा स्पेस देकर कर रही हूँ। ये स्टंप्स आप कुछ मार्केट से भी ले सकते हैं, बहुत इजी वे में आपको मिल जाएगा। सारे स्टंप्स हमारे फैब्रिक पे भी सेम प्रोसेस होगा हमारा। देखिए, यहाँ पे मेरा थोड़ा सा छूट गया है, इससे हम घबराएंगे नहीं। देखिए, इसको मैं फिर से रख कर हम कर लेंगे। देखिए, या तो पूरा मैं रख देती हूँ इसको, फिर से मैं, फिर देखिए मैंने दबा दिया है, कलर फिर से पूरा आ गया। कहीं छूट जाए तो आप टेंशन नहीं लीजिए। देखिए, साइड में थोड़ा थोड़ा निकाल कर रखते हैं ताकि फोर्स मिले, ये जरूर ध्यान दीजिएगा। अगर आप इसको पूरा हार्डबोर्ड के अंदर पेस्ट करेंगे तो आपका कलर अच्छे से नहीं आएगा, तो इस पे आप जरूर फोकस कीजिए। देखिए, हमारा बेसिक कलर रेडी हो गया है। अभी देखिए, मैंने ब्लू कलर रेडी किया है, मैं ब्लू कलर के साथ इसको कर रही हूँ। चाहे तो पूरा कलरफुल कर सकते हो आप इसको। देखिए, पेपर पे हम सबसे पहले ट्राई इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा हैंड फ्री हो जाए। फैब्रिक हमारा कॉस्टली आता है, अगर वो बेस्ट ना हो इसलिए सबसे पहले हमें कोई भी चीज को प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। ताकि उसमें गलती की कोई गुंजाइश ना रहे। ये देखिए, इस तरह से हम कुशन का एक सेट बना सकते हैं। अगर आप चाहो तो इसमें लीफ का भी कोई कटिंग करके आप लीफ भी डाल सकते हैं। तो आपको ये डिजाइन कैसा लगा प्लीज मुझे बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।